एक बार फिर से स्वागत है आपका, आप सभी का। और अभी अभी आपने देखा योग बिहार, जिसमें आपने देखा बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आसन। और अब वक्त हो चला है कि हम हर रोज की तरह मुलाकात कराएं आपको आज के खास मेहमान से। आज हमारे साथ कार्यक्रम बिहार बिहार में मौजूद हैं डॉक्टर समीर कुमार, जो कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बिहार एंड ईस्टर्न यूपी के रीजनल हेड हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे कार्यक्रम में। डॉक्टर समीर, आपसे यही जानना चाहूंगी कि सबसे पहले आप ये जानना चाहूंगी कि आप कितने वर्षों से इस प्रोफेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग सा आपका प्रोफेशन हमें लग रहा है कि भैया कितने वर्षों से आप इस प्रोफेशन में हैं, और आपका इंटरेस्ट सबसे पहले कैसे डेवलप हुआ कि आप इस प्रोफेशन में आए। देखिए, इस प्रोफेशन में आने का इंटरेस्ट तो ऐसा नहीं है कि बाय चांस हुआ, ये बाय चॉइस था। बाय चॉइस था, ओके। बिल्कुल, हमने अपनी एमएससी की पढ़ाई यहाँ पटना से की। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी में एक अपॉर्चुनिटी मिला हम लोगों को रिसर्च करने का गंगा के डॉल्फिन के ऊपर। तो उस समय लगा कि अरे ये तो अच्छी चीज है। और लेकिन थोड़ा अभी जो हम काम कर रहे हैं टाइगर के ऊपर, टाइगर कंजर्वेशन के लिए हम 2003 से वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे तो बाघों के बारे में काफी कहानियां सुना करते थे हमारे लाइब्रेरी में, क्योंकि मैं एक ब्लॉक लेवल के स्कूल से पढ़ा, तो हमारे लाइब्रेरी में जो किताब आई थी वो हम लोगों को मिली, तो उसमें वो जिम कॉर्बेट साहब की शिकार वाली कहानियां हुआ करती थी। तो उस समय बाघ का एक इमेज बना हमारे सामने, कह रहे ये तो बड़ा खूंखार होता है, उसको कॉर्बेट साहब मारा करते थे, जो खतरनाक बाघ हुआ करते थे, बाघ और तेंदुओं का शिकार करते थे। उसके बाद हम मैट्रिकुलेशन के बाद मैं हजारीबाग चला गया झारखंड, जो कि अभी झारखंड में है। तो वहाँ जाने के बाद एक बात हमारे मन में हरदम आती थी कि ये हजारीबाग का स्पेलिंग जो है वो कहीं कहीं हजारीबाग लिखा हुआ रहता था, BAGH, कहीं कहीं हजारीबाग लिखा हुआ रहता था, BAG। तो मेरे एक फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उनसे हमने पूछा कि सर ये क्या चक्कर है, ये बाघ है क्या है, स्पेलिंग तो सही होना चाहिए किसी भी शहर का। तो उन्होंने बताया कि देखो समीर, ऐसा है कि हजारीबाग पहले हजारीबाग हुआ करता था, ये हजारों बाघों का शहर हुआ करता था, जगह हुआ करता था, लेकिन कालांतर में ये जो बाघ हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गए विभिन्न कारणों से, खास करके शिकार और जो उसके अधिवास में जो कमी आई, और वो धीरे धीरे बाघ जो है वो बाघ में परिवर्तित हो गया। तब उस समय से इच्छा थी, एक तो बाघ तो हमारा राष्ट्रीय जानवर है, नेशनल एनिमल है। 2003 में एक मौका मिला मुझे वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के तरफ से काम करने का। तो उस हमने सोचा कि चलो अब थोड़ा डॉल्फिन, जो गंगा की जो डॉल्फिन है, थोड़ा एक्वेटिक इकोसिस्टम से निकल के थोड़ा फॉरेस्ट इकोसिस्टम के तरफ जाएं, जहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी दिखता है ज़्यादा। वैसे गंगा में ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन फॉरेस्ट में आपको देखने में आपको ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे इंटरव्यू में बताया गया कि आपको जो है वो बिहार के एक टाइगर रिजर्व में काम करना है। बिहार के एक टाइगर रिजर्व, नाम तो मालूम था। आपने इसे चैलेंज के तौर पे लिया या फिर आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे, एक्साइटेड थे इसको लेकर? बिल्कुल, उस समय तो ये एक चैलेंज था, क्योंकि उस समय वो टाइगर रिजर्व इस हालत में था, और खास करके वहाँ अब जब जाएंगी तो कोई जाने वाला नहीं था। मुझे घर के लोग, काफी मेरे हितैषी लोग, उन लोगों ने बताया कि अरे कहाँ जा रहे हो, वो तो मिनी चंबल है ना। तो वो उस समय बड़ा हमारा एक मित्र हुआ करते थे उसी बेतिया वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ही, तो वो कभी ये सब कहानी हमको नहीं बताते थे, मतलब कि टाइगर है वहाँ पे, ये कहा वो हरदम ही बताते थे कि मेरे यहाँ जाओगे तो किडनैप हो जाओगे। तो उसके बाद जब ये वहाँ बाघ के ऊपर काम करने का मौका मिला तो मैंने देखा कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। तो मैंने सोचा कि ये एक ब्लैंक एरिया है, हमारे स्टेट का वो एक अकेला टाइगर रिजर्व है। 1994 में ही वो टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ था। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे काम शुरू किया। तो इनिशियली वो एक चैलेंज था, हमारे जो इंटरव्यू बोर्ड में जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे विवेक मेनन साहब, उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे कहा कि ठीक है आप ज्वाइन करना चाहते हो, बहुत बढ़िया, आप उस जगह के लिए हम लोग काफ़ी दिनों से खोज रहे थे, कोई नहीं मिल रहा था, और आप अगर वहाँ किडनैप हो गए तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। लेकिन फॉर्चुनेटली सिचुएशंस काफी सुधर गए जब हम गए उसके बाद। लेकिन जब आपने पहला कदम वहाँ पे रखा, आपने कहा कि बिल्कुल ब्लैंक एरिया है, कुछ भी वहाँ पे काम नहीं हुआ है, तो मतलब जहाँ कुछ नहीं हुआ है वहाँ एक नई शुरुआत करना काफी मुश्किल होता है, तो कैसे आपने वो शुरुआत की और कैसे आपके साथ लोग जुड़े, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल अनअवेयर बेल्ट है, वो लोग इसके बारे में ज्यादा अवेयर नहीं है। वैसे जो चहचहाट होती थी उनसे लोगों की आंख खुलती थी, लेकिन अब चहचहाट जो है वो फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, अब हमें पक्षी दिखते ही नहीं। शहरों में अगर बात करें तो पक्षी दिखते ही नहीं, इसका कॉज आप सबसे पहले हमें बताएं, वो हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत जरूरी है ये कॉज जानना, और फिर आप इस पे किस तरीके से काम कर रहे हैं। जहाँ अभी आप चिड़ियों के चहचहाट की बात कर रही है, तो पहले तो ये बता दूं कि आप आज आपके घर के बगल में जगह कहाँ है जहाँ चिड़िया चहचहाएंगी? पेड़ ही नहीं है, पेड़ ही नहीं है।
कहाँ आखिर वो चिड़िया रहेंगी। और मुख्य रूप से जो वन्य प्राणी हैं, जो वन्य जीव हैं, उनके उनका जो उनकी जो संख्या कम हो रही है, दो तीन मुख्य कारण हैं। एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, जिसको कि आप ज़्यादा दोहन हाँ। उस किसी पर्टिकुलर स्पीसीज का, किसी पर्टिकुलर प्रजाति का, या उसके अधिवास का। मान लीजिए कि एक कोई चिड़िया है किसी पेड़ के ऊपर, बड़े पेड़ के ऊपर, पीपल के या बरगद के पेड़ के ऊपर घोंसला लगाती है, तो या तो आप चिड़िया को मार दें या उस पीपल के पेड़ को नुकसान पहुंचा दें। तो दोनों स्थितियों में अल्टीमेटली तो नुकसान चिड़िया का होता है। बिल्कुल। और ये मोर ऑर लेस ये जो फॉर्मूला है ये सारे वाइल्ड लाइफ के ऊपर लागू होता है। तो जो मुख्य कारण है ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, और दूसरा हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन में काफ़ी फैक्टर्स हैं। हमें अर्बनाइजेशन हम कर रहे हैं, शहरीकरण हो रहा है, हमारा लाइफ स्टाइल बदल रहा है, हम इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, हमें ऊर्जा की ज़रूरतों के लिए ज़्यादा कोयला चाहिए, हमें ज़्यादा लोहा चाहिए, मतलब कि हम माइनिंग करेंगे। हाँ हाँ। और जहाँ ये माइंस मिनरल्स हैं वहीं जंगल हैं, वहीं पहाड़ हैं, और यही पहाड़ जो हैं वो जंगली जानवर के अधिवास हैं। अगर आप एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ की बात करें, पानी की बात करें, तो हमको आज शहर से में जो जितना पानी का सप्लाई है वो नदी से होता है। हमने अपने जो शहर के अंदर जो पुराने पोखर, तालाब या जो दूसरे उस तरह के वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर थे, उसने हमको हमने उनको भर करके उसके ऊपर हाँ, बिल्डिंग बना दिया। तो पानी कहाँ लेके, कहाँ से? पानी तो रिवर से लेंगे। रिवर से लेंगे तो जो उसके अंदर जो एनिमल रहते हैं वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होंगे। हम ज्यादा मछली मार, पूरा सिस्टम इंबैलेंस हो रहा है। आप जैसे एक हम गंगा का उदाहरण देते हैं, अगर डॉल्फिन की संख्या में कमी हो रही है, अभी थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई, अगर आप देखिए तो देखेंगे कि मछलियों का, गंगा की जो मछलियां हैं, आप जाकर के देखिए कितने डिट्रीमेंटल फिशिंग नेट्स यूज करते हैं। छोटे छोटे जाल लगा करके, ऐसे जाल जिनका मेस साइज काफी कम होता है, उससे छोटी छोटी मछलियों को भी छान लिया जाता है। तो जब वो मछलियां आज अगर उनके बच्चे को आप छान लिए, तो कल मछली बड़ी मछली मिलेगी? हाँ, मिलेगी। मिलेगी नहीं। अगर बड़ी मछली नहीं मिलेगी तो उनके ऊपर निर्भर रहने वाली जो डॉल्फिन है या घड़ियाल है वो कहाँ से फिर मिलेगा? आपने यहाँ पे घड़ियाल की बात की है, घड़ियालों के ऊपर भी काफी काम किया जा रहा है भारत में, क्योंकि घड़ियालों की संख्या जो है वो भी कम होती जा रही है। देखिए घड़ियाल तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। हाँ। अभी लास्ट जो असेसमेंट हुआ उसके हिसाब से पूरे कंट्री में घड़ियाल जो है एक इंडेमिक स्पीसीज है, जो गंगा और उसकी सहायक नदियों में ही सिर्फ पाया जाता है। हाँ। पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाया जाता है। हाँ। और इसमें रिसेंट जो हमारा कुछ रिपोर्ट है 3-4 साल 5 साल पहले का, उसमें ये निकल करके बात आई कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन रेंज में जहाँ जहाँ घड़ियाल पाए जाते हैं 200 से 250 के बीच में एडल्ट ब्रीडिंग घड़ियाल हैं, बस उससे ज़्यादा हमारे पास घड़ियाल नहीं है। और इसलिए ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, यहाँ तक कि इसकी जो स्थिति है वो बाघ से भी ज़्यादा खतरनाक है। ये किसी भी समय ये हो सकता है, विलुप्त हो सकते हैं। क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हमारे एनवायरनमेंट पे, कितना गहरा प्रभाव इसका पड़ सकता है अगर जो स्पीसीज हैं, जो ये वाइल्ड एनिमल्स हैं, या फिर आपने कहा जैसे घड़ियाल की बात की, जंतु हैं, वो विलुप्त अगर हो रहे हैं या हो गए तो इसका कितना बुरा प्रभाव हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ने वाला है? देखिए कोई भी वाइल्ड एनिमल विलुप्त होता है तो उसका सबसे बड़ा चीज ये है कि जिस भी सिस्टम में, इकोसिस्टम में, जिस भी पारिस्थितिकी तंत्र में वो पाया जाता है, हाँ। वहाँ कुछ ना कुछ जो है वो डिस्टर्बेंस होगा, उसकी जो इक्विलिब्रियम है वो हाँ। कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आएगा, और उसका पूरा का पूरा इफेक्ट जो है उस सिस्टम के ऊपर पड़ता है, सबके ऊपर पड़ता है। वो अगर घड़ियाल खत्म होगा तो हो सकता है कि उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़े, हम मछली खाने के लिए दूसरे भी जीव हैं, और कोई नहीं तो आदमी है, है ना। अगर ये सोचिए कि अगर आदमी वहाँ पे नहीं है और घड़ियाल और डॉल्फिन खत्म हो जाए, तो नदियों में मछलियों की स्थिति क्या होगी? मछलियां बढ़ेंगी, मछलियां बढ़ेंगी तो क्या होगा? जो नीचे जो जिन चीजों को मछलियां खाती है उसकी संख्या कम होगी, और अल्टीमेटली उसकी संख्या कम होगी तो मछलियां भी मरेंगी। हाँ। मछलियां मरेंगी, नदी का पूरा प्रदूषण होगा। हाँ, सिस्टम तो ये पूरा सिस्टम है, ये हाँ, तो बैलेंस है। बिल्कुल, हमने बचपन में पढ़ा ना फूड चेन पढ़ा है, फूड चेन, ये बिल्कुल। और फूड चेन के साथ एक फूड वेब भी होता है। हाँ। तो फूड वेब में अगर जितना आपके फूड वेब में लिंकेजेस जितना ज्यादा रहेंगे, हाँ। वो सिस्टम उतना ज्यादा बैलेंस होगा। उसमें से अगर एक सिस्टम हट भी गया, एक कोई कंपोनेंट हट भी गया, तो इकोसिस्टम जो है ज्यादा इंबैलेंस नहीं होगा। हाँ। तो इसलिए फूड वेब हमारा जितना स्ट्रांग होगा, जितने ज्यादा प्रीडेटर रहेंगे, हाँ। जितने ज्यादा प्रोड्यूसर रहेंगे, जितने ज्यादा प्राइमरी कंज्यूमर रहेंगे, उतना स्टेबिलिटी उस सिस्टम के। हाँ। लेकिन कई बार मतलब उसका कहीं ना कहीं असर ऐसे अगर हम देखें सीधे तौर पे, तो लगता नहीं है कि मतलब अगर कोई जानवर कम हो रहा है तो उसका असर किसी इंसान पे पड़ेगा, लेकिन अगर हम फूड चेन की बात करें, फूड वेब की बात करें, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन भी उस फूड वेब, फूड चेन में एक अहम किरदार निभाता है। बिल्कुल। और हर एक छोटी छोटी स्पीसीज जो है वो भी अहम किरदार निभाती है। अगर वो कम हुई तो इम्बैलेंसेस अगर शुरू हो जाएंगे, तो वो बैलेंस अभी नहीं तो 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, वो धीरे धीरे ह्यूमंस तक पहुंचेंगे। बिल्कुल।
और उसका असर होगा हमारे लाइफस्टाइल जो है वो दिख ही रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो, बहुत सारे इफेक्ट है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है, उसकी वजह से हम कितना डिटोरिएट कर गए हैं। बिल्कुल, यानी आप देखिए कि जो चीजें हमारे बीच से चली जाती हैं, हाँ। तब हमको उसका महत्व मालूम होता है। सिंपल एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, गिद्ध का। जब हमारे यहाँ गिद्ध काफी हुआ करते थे तो हम लोग सिर्फ इतना किताब में पढ़ते थे कि एक अपमार्जक है, स्कैवेंजर है, साफ सफाई करता है, हाँ। लेकिन उसके नहीं रहने से दुष्परिणाम क्या होंगे ये हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब धीरे धीरे गिद्धों की संख्या में आप लोगों को मालूम होगा अप्रत्याशित कमी दर्ज की गई, कुछ स्पीसीज तो 99% तक कमी दर्ज की गई 15-20 साल के अंदर। तो जब गिद्ध खत्म हुए तो आप देखेंगे कि जहाँ हमारे यहाँ भारत में क्या है कि लोग खेत को अपना जो जानवर मरा तो चमड़ा निकाल करके उसको खेत में फेंक देते हैं, हाँ। पहले जब गिद्ध हुआ करते थे तो गिद्ध उसको घंटे भर के अंदर सफाई कर देगा, आज क्या है वो मांस जो है वो सड़ रहा है वहीं पे, हाँ। मरे हुए जानवर सड़ रहे हैं, उसके ऊपर कुत्ते खा रहे हैं, कुत्ते पागल हो रहे हैं, तो सारा का सारा पर्यावरण जो है, हाँ। वातावरण जो है वो संदूषित होता रहता है। तो फिर हमने फिर हमको जब गिद्ध हमारे पास खत्म होने लगे तब हमें गिद्ध की महत्ता समझ। सो ये जो स्पीसीज है जो बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे आ गई है, घड़ियाल की बात की हमने, बाघ है, कई सारे ऐसे बर्ड्स है जो हमको शायद कभी कभार दिख जाते हैं तो हम पॉइंट आउट करके कहते हैं अरे देखो ये चिड़िया दिख गई है, तो इनको प्रिजर्व करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, प्रिजर्व करने के लिए मूल तौर पे आपको किसी भी हैबिटेट को सिक्योर करना पड़ेगा, किसी भी जो उस स्पीसीज का है। और बड़ा ये इम्पोर्टेंट होता है कि हर स्पीसीज का, हर प्रजाति की एक अपनी एक डिमांड होती है, उसकी एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको स्पीसीज स्पेसिफिक अगर इंटरवेंशंस करने होंगे उस हिसाब से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आप अगर एक स्पीसीज को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, उसको अम्ब्रेला स्पीसीज बोलते हैं हम लोग, जैसे टाइगर को अगर आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो आप जंगल को बचा रहे हैं, आप वहाँ के ग्रासलैंड को बचा रहे हैं, आप वहाँ के पानी को बचा रहे हैं, आप वहाँ के हर्बीवोर्स को बचा रहे हैं, तो ये पूरे के पूरे सिस्टम को आप बचाते हैं। तो कभी कभी एक स्पीसीज को बचाने के लिए आपको पूरे सिस्टम को बचाना होगा, और वो खास करके अगर वो टॉप प्रेडेटर है, हाँ। जो फूड चेन के सबसे ऊपर में बैठा हुआ अगर जीव है उसको अगर आप बचाने की कोशिश करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा नीचे का, हाँ। जो सिस्टम है वो अपने आप सही, हाँ। हो जाए। अगर ये जानना चाहूँ समीर कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या कुछ ऐसे मैंडेटरी रूल्स आए हैं जिन्हें फॉलो करना हम सबके लिए जरूरी है या करना होगा? बिल्कुल, गवर्नमेंट के हम भारत में तो हमारे पास रूल एक्ट्स नियम कानून गाइडलाइंस की कमी नहीं है, हाँ। नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर वो हंटिंग करता है या फिर जानवरों का शिकार करता है तो क्या कड़े से कड़े सजा का प्रावधान है? खास करके वाइल्ड लाइफ हंटिंग की बात करें तो ये 1972 में ही भारत में कानून आ गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था, उसमें बार बार 2-3 बार अमेंडमेंट भी हुए हैं और उसमें कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। पूरे जितने भी भारत में ज्यादातर आप 99% एनिमल्स जो हैं उनके शेड्यूल में, उसमें 4 शेड्यूल है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, तो एनिमल्स के उन 4 शेड्यूल में कहीं ना कहीं हमारा हर चिड़िया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स वो उसमें इंक्लूडेड है। अगर उसमें से किसी का आप शिकार करते हैं, किसी को आप अपने पास रखते हैं तो ये एक ऑफेंस है, ये इसके लिए आपको सजा मिल सकती है। चिड़िया का भी अगर करें तो? बिल्कुल, अब आप चिड़िया की बात करें तो आप देखें, आप ज्यादातर लोगों के घर में आप देखेंगे कि लोग तोता पाल के रखे हुए हैं, पैराकिट पाल करके रखते हैं, ये एक वाइल्ड लाइफ ऑफेंस है, आपको वो पाल करके नहीं रखना है। लोगों को आपकी जानकारी नहीं है, अगर कल को इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है वो अगर आपको चाहे तो उसके लिए आपको सजा दिलवा सकते हैं, आपके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, मतलब आप देखिए किसी के बरामदे में, किसी के गैलरी में, आप हर जगह, मतलब 10 में से 2-3 घर शायद ऐसे जरूर होंगे जिनके घर में ऐसा तोता होगा ही। लेकिन तो फिर ये जो एजेंसियां हैं जो काम करती हैं वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन के लिए या फिर और जो भी क्या बोलते हैं उसको, ये जो सामाजिक जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो काम करती हैं, तो वो सब कहाँ है फिर? क्योंकि ये तो आपको हर लगभग हर घर में ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल रही है, तो वो कहाँ है? ये स्थिति सभी जगहों पर नहीं है, बिहार की बात करें, आप बिहार की बात कर रही हैं, बिहार में एक तो लोगों में जागरूकता नहीं है, वो तोता को कभी मानते ही नहीं है कि वाइल्ड एनिमल है, तो यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर आप वही दूसरे स्टेट में जाएं, दिल्ली में जाएं, वहाँ पे आपको काफ़ी इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वॉलेंटियर्स हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं। तो सबसे पहले तो हमें जागरूकता लानी होगी लोगों के बीच में, और दूसरा आपने सही कहा, इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है, हमने तो देखा है पटना में पुलिस पिकेट्स के सामने जो बर्ड्स को बिकते हुए,
उस पुलिस वाले को मालूम ही नहीं है कि ये चिड़िया जो है वो अवेयरनेस की भी कमी है, नैतिक जिम्मेदारी जो है वो लोगों की, जिम्मेदारी प्लस जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उनकी भी जागरूकता की कमी है, एक कॉमन पब्लिक में तो जागरूकता की कमी है ही। चलो चलिए अच्छी बात है कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कुछ लोगों को तो कम से कम जरूर अवेयर कर पाए होंगे और उनके जहन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि किस तरीके से हम जो पक्षियों को अपने घरों में शोभा का एक पीस, यू नो अट्रैक्शन का एक पीस बनाते हैं वो ना बनाए। और यहाँ पे दूसरी बात ये भी है ना कि किसी की आजादी को कैद करके रख रहे हैं, ये भी बहुत बुरी बात है। तो अपने दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर किसी भी दर्शक के घर, हमारे जो दर्शक हमारे जो कार्यक्रम देख रहे हैं, अगर किन्हीं के पास भी तोता है या फिर कोई और भी चिड़िया है तो प्लीज उसे आप आजाद कर दे, क्योंकि किसी की आजादी को भी कैद करना काफी नुकसानदेह हो सकता है उस इंसान के लिए। और कई बार ऐसा होता है ना कि कई चिड़िया जो ऐसी होती जिन्हें हम बंद करके रखते हैं, कई बार अपनी आजादी की आजादी ना मिलने की वजह से वो अपना दम भी तोड़ देती है। एक बार आप करके देखिए तो सही, देखिए कितना अच्छा महसूस करेंगे। समीर, हमने वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड लाइफ पे बहुत बातें की आपसे, अब मैं आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी कि समीर कैसे हैं, क्या है आपका, मतलब पर्सनल लाइफ में कैसे, यूं तो आपका रुझान होता है हमेशा जीव जंतुओं के प्रति, जंगल में आप अपना वक्त गुजारते हैं, लेकिन इनसे परे आप कैसे हैं, आप क्या करना पसंद करते हैं? देखिए वो तो आपका आपका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल लाइफ से गाइडेड होता है, आपकी आपकी जो पर्सनल लाइफ होती है आपके प्रोफेशनल लाइफ से गाइडेड होती है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है। तो जब आप इस फील्ड में काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ के फील्ड में काम करते हैं, तो आप जब तक पैशनेट नहीं है इसमें, अगर आप नौकरी सोच के काम करेंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं है, आपको पैशनेट होना पड़ेगा। तो उसका असर कहीं ना कहीं आपकी पारिवारिक जिंदगी के ऊपर तो पड़ता ही है। और मेरे साथ जहाँ मैं थोड़ा इलास्टिसिटी मेरे में ज़्यादा है, मैं थोड़ा सिचुएशन के साथ झुक जाता हूँ। और फॉर्चुनेटली जहाँ तक मेरे पारिवारिक उसके बात है, तो फॉर्चुनेटली मैं बिहार में शुरू से काम कर रहा हूँ, तो परिवार से बीच बीच में आने जाने का मौका मिलता रहता है, घर पे आने जाने का मौका मिलता रहता है, और बाकी तो सब ठीक ही है। लेकिन आप ज़्यादातर आपका समय जो है जंगल में बीतता है, जंगल का दौरा करते हुए बीतता है, जानवरों के आसपास बीतता है, तो क्या कभी मतलब ऐसा महसूस नहीं होता कि आप परिवार को मिस कर रहे हैं, या घर वाले घर में जो भी लोग हैं मेंबर्स हैं वो कभी कंप्लेन करते हों कि आप बहुत कम समय देते हैं या फिर आपको ज्यादा समय देने की जरूरत है? प्रिया ये भी इनसे पूछ रहे थे कि इनके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है आपके परिवार? पहले तो परिवार में यहाँ मेरे जो घर है, मेरे पेरेंट्स है, पापा मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरा 6-8 साल का बेटा है, 7.5-8 साल का लड़का है, और उसके बाद मेरी एक सिस्टर है, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, वो लोग बोकारो में रहते हैं। और जहाँ तक उन लोगों के कंप्लेन का बात है, तो कभी कभी तो कंप्लेन सुनने के लिए मिलता है, उतना चलता है, कोई दिक्कत नहीं, कभी हार्श कंप्लेन सुनने के लिए नहीं मिला। फैमिली काफी सपोर्टिव है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जैसे पेरेंट्स हमारे यहाँ, मेरे पापा मम्मी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये काम करो या ये नौकरी करो, तुमको डॉक्टर ही बनना है या तुमको IAS ही बनना है या तुमको दुकान ही खोलना है, मतलब जॉब सेटिस्फेक्शन आपको जिधर जिस फील्ड में आपको मिला आप उस तरफ खोलिए, बिल्कुल बाय चॉइस। लेकिन यहाँ पे एक चीज आपसे और जानना चाहूंगी कि क्या बचपन से ही आपका इंटरेस्ट था कुछ ऐसा जीव जंतुओं के प्रति, मतलब यश बचपन में हर बच्चे की, हर बच्चा यू नो इमिटेट करता है, मैं टीचर बनूंगा, मुझे इंजीनियर बनना है, या पेरेंट्स का एक रहता है कि भाई मेरा बच्चा ये बने। देखिए अब इसमें फॉर्चुनेटली मेरे फादर जो है वो वेटनरी डॉक्टर थे, तो बचपन से हम साथ साथ उनके रहते थे। आज के जैसा तो जिंदगी नहीं है कि परिवार कहीं और रहता है और बच्चे कहीं और रहते हैं और पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, उस समय हम लोग सब साथ में रहते थे। फादर मेरे वेटनरी डॉक्टर थे, तो हमारा सुबह शाम का तो वही था, फादर ट्रीटमेंट करते रहते थे एनिमल्स का, कुत्ते आ रहे हैं, कभी बंदर भी आया करते थे हमारे पास, पेड़ से गिर गया तो लोग आके गाँव वाले हॉस्पिटल में पहुंचा के चले गए, तो अब पापा तो सुई दवाई कर दी, उसके बाद तो केयर हमको ही करना पड़ता था उसका, मतलब आपका जो जानवरों के साथ जो लगाव था, जानवरों के प्रति जो प्रेम था। लेकिन कभी ऐसा कोई वाक्य हुआ है कि जब हमेशा कहा जाता है कि हम जो जानवर है उनके प्रति हमारा जो कंपैशन है वो लगातार बना रहे, लेकिन कभी कोई ऐसा वाक्य है जब आपने किसी जानवर को छेड़ा हो, कभी परेशान किया हो? क्योंकि बच्चों की प्रवृत्ति होती है, और आप जब छोटे थे तो क्या कभी कुछ ऐसा वाक्य हुआ जानवर ने आपको हार्म किया हो? नहीं नहीं नहीं, फॉर्चुनेटली अभी तक नहीं हार्म किया है। हम हाँ जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो एक बार हमने उम्मीद करते हैं तो मतलब चलिए, मतलब काफी अच्छी बात है कि अभी तक आपने अपनी जिंदगी में जितना भी समय बिताया है जानवरों के बीच में, आपको कम ही जानवरों ने हार्म किया है, बस एक बार मधुमक्खियों ने हार्म किया है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कोई जानवर हार्म ना करे जंगलों में आकर, क्योंकि शायद जानवरों को भी पता है कि आप उन्हीं के संरक्षण के लिए जो है इतने सारे प्रयास कर रहे हो और उनके संरक्षण के लिए ही जंगलों के अंदर भीतर जा रहे हैं उनसे मेलजोल बढ़ाने के लिए।
हो सकता है बात हो। समीर, इसके अलावा आपसे जानना चाहूंगी और आपकी रुचि किन चीजों में है? आपको पढ़ने का शौक है, आपको कुछ सुनने का शौक है, लिखने का शौक है, क्या आप इसके अलावा आप और क्या पसंद करते हैं? देखिए, प्रोफेशनल लाइफ में के अलावा जो मेरी रुचि है वो लिखने में है। पहले काफी, अब तो टाइम उतना नहीं मिलता है, लेकिन जब मैं रिसर्च में था पटना यूनिवर्सिटी में उस समय, और जब ये जॉब ज्वाइन किया था उस समय, मैं काफी लिखा करता था। रात को ऐसा होता था कि बिना लिखे नींद नहीं आती थी, चार पन्ने लिखता था, सुबह उठ के देखता था कि अच्छा ये कहीं छपने लायक नहीं है, इसको फाड़ करके फेंक दो। क्या लिखते हैं, क्या लिखना पसंद करते हैं? पर्यावरण के, एनवायरमेंट, वाइल्ड लाइफ के ऊपर फीचर्स, खास करके उस समय। फॉर्चुनेटली अपने जो पटना का जो हिंदुस्तान टाइम्स का एडिशन है, उसमें लोगों ने काफी स्पेस दे रखा था। संडे स्प्रेड था, मंडे एक्स्ट्रा थी, उसके बाद एचटी अर्थ पेज इनका आता था, हिंदुस्तान टाइम्स पटना का, तो उसमें मैं काफी लिखा करता था। और एक थोड़ा प्रोफेशनल इस लाइन में होने का, नॉलेज होने का, हमारे पास ऑब्वियस है, डेटा और इंफॉर्मेशन से एक्सेस मेरा ज्यादा हुआ करता, एक जनरल राइटर से ज्यादा होगा, तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी। तो हम उस समय वो लिखा करते थे, अभी भी लिखते रहते हैं बीच बीच में। तो क्या आपके जो लिखने का तरीका होता था वो सिंपल फीचर होता था, या फिर कभी कभी होता ना कुछ ऐसे विचार होते हैं जो मोटिवेटिंग होते हैं, या फिर कुछ चेंजेस के लिए आप लिखा करते थे? देखिए, हाँ, उसमें मोटिवेटिंग तो नहीं, लेकिन एडुकेशनल जरूर हुआ करता था। मैं बच्चों के लिए एक दो कहानियां भी लिखा, चंपक के लिए, तो उसमें जो साइंटिफिक चीजें हैं, उस साइंस को कैसे आपको एक कॉमन आदमी तक पहुंचाना है या एक बच्चे तक पहुंचाना है। तो एक बार ऐसे ही दिमाग में एक बात आई, जब रिसर्च हम लोग करते थे, तो एक मेरी सीनियर थी अनुपमा दी, वो अपने पीएचडी का टॉपिक उनका था कुछ पेस्टिसाइड के ऊपर, तो उसका काम कर रही थी, तो मैं उनसे ऐसे ही बात बात में बोला कि क्या आप ये रिसर्च करते रहती हैं, इसका असर तो इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसी आम आदमी को तो नहीं मिलना है, तो आप इसके ऊपर कुछ ऐसा लिखिए कि बच्चे को सीखे, आपका ये पीएचडी का थीसिस कोई बच्चा नहीं पढ़ने जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि यार ये तुम्हारा काम है, तुम लिखो। उसी रात मैं घर पे आया और मैंने एक कहानी लिखी, मछली में कीटनाशक, ठीक है। और उस समय तो लिखा 250-250 वर्ड की कहानी थी, हमने चंपक को वैसे ही इन्वेलप में डाला। आप थोड़ा कंक्लूजन हमें कहानी का जरूर बताएं, क्या थी उस कहानी? पूरी कहानी तो आप नहीं बता सकते, उसका जिक्र करना भी संभव नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें उसको इंटरेस्टिंग बनाने के, थोड़ा लोगों का इन्वॉल्वमेंट करने के लिए, हमने उसमें जितने कैरेक्टर रखे वो एनिमल, आपको मालूम होगा चंपक में जितने भी कैरेक्टर रहते हैं वो एनिमल होते हैं, तो हमने हमारे जितने को रिसर्चर थे सबने, हमने उनके नाम पे एनिमल का नाम पहले रखा। उसमें एक बड़ी अच्छी थी, मेरी कलीग थी आसमी वर्मा, तो उसको हमने बकरी बना दिया, ठीक है। और वो पटना यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रही है, तो बेसिक कंटेंट उसमें ये था कि एक जो कैसे पेस्टिसाइड जो है आप खेत में डालते हैं, वो खेत से होकर के नदियों में जाता है, नदी में छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों में जाता है, उसके बाद उसको छोटी मछलियां खाती है, उसके बाद बड़ी मछलियां खाती है, और उस बड़ी मछलियों को खाने वाला जो कैरेक्टर था वो था हमारा एक भेड़िया। तो वो भेड़िया जब बड़ी मछलियों को खाता है, और वो भेड़िया जी है वही खेत में कीटनाशक इस्तेमाल करता था, अच्छा, ठीक है। तो उसको तो पता है कि ये तो कीटनाशक, तो हम तो मुझे तो मैं तो मछलियां खाऊंगा, कीटनाशक वाला सब्जी तो ये जो हर्बीवोर है, जो एक हमारे उस कहानी में कैरेक्टर था खरगोश का, अच्छा, कुंदन खरगोश, तो वो कुंदन खरगोश और उसकी फैमिली खाएगी, हमको तो उसको खाना नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली जब वो बीमार पड़ता है और आसमी बकरी और एक भालू उसका जब इलाज करने जाते हैं, तो वो आसमी बकरी एज ए रिसर्चर उसको बोलती है कि देखो ये तुमने, तुमको बड़ी मछलियां पसंद है, और उसको पूरा बायो मैग्निफिकेशन की कहानी बताती है कि ये तुमने जो कीड़ा इंसेक्टिसाइड पौधे के ऊपर डाला, वो बारिश के जल के साथ नदियों में गया, नदियों से छोटी मछलियों में गया, और जैसे जैसे ये फूड चेन में आगे बढ़ेगा वो मैग्निफाई करता है, बायो मैग्निफाई करता है। तो तुम जिस बड़ी मछलियों को खा रहे हो उसमें नदी में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उसी में है जिसको भी तुम खा रहे हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर इसका डायरेक्ट असर पड़ रहा है, और तुम आज बीमार होकर के मेरे हॉस्पिटल में आए। ये जो कहानी वाली बात है ना, वो आज के जीवन में बिल्कुल सटीक बैठती है, कि आज जितनी भी मछलियां हैं मतलब मार्केट में अगर मिल रही हैं, तो वो पानी जो है वो खेतों से होकर के आता है, नालों से होकर के आता है, उससे मछलियां निकाली जाती है, और शायद हम और आप जो मछलियां अपने घर में बनाते हैं खाते हैं उनमें भी ये सारी चीजें पाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पाई जाती है, रिसर्च इसके ऊपर कितना नुकसानदेह होता है ये हमारे लिए। देखिए, पेस्टिसाइड्स का इफेक्ट तो ऐसा है कि वो स्लो पॉइजन है, हम जो मछलियों के थ्रू या किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के थ्रू जितना पेस्टिसाइड लेते हैं वो लिथल तो नहीं होता है, आपको इमीडिएट आपका कोई आपके बॉडी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपके भी बॉडी में वो डिपॉजिट होता है, और वो आगे चल के आपको हानि पहुंचा सकता है, वो इम्यून सिस्टम को आपको वो खराब करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी आपकी पुअर हो गई, तो आपको अलग अलग बीमारियां जो है वो आपके ऊपर अटैक करेंगी, और आप प्रोन रहेंगे किसी भी डिजीज से। तो पेस्टिसाइड्स का खास करके ये बहुत ही खतरनाक प्रभाव है, वो आपको इमीडिएट इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो जमा होगा इम्यून सिस्टम को खराब करेगा, और आप दूसरी बीमारियों से, आप पता चला कि आप मर गए किसी और बीमारी से, लेकिन उसका कारण जो था वो पेस्टिसाइड था। और शायद यही वजह है ना कि ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम जो है ह्यूमंस की, वो बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर पाती है। बिल्कुल
प्रेजेंट टाइम में अगर बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो ये और भी ज्यादा समस्याएं देखने को मिल रही है। प्रीवेलेंट जो है टॉपिक है ये, इसके ऊपर काफी डिस्कशन किए जा रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन शायद मिलता हुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि खेत में पेस्टिसाइड्स यूज होंगे ही, इंसेक्टिसाइड्स यूज होंगे ही, और हम उसको शायद रोक नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए हम इसे यूज करेंगे। इसमें भी एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजें आई है, बोलना चाह रहा था कि पेस्टिसाइड का वो जमाना गया जब हम लोग हरित क्रांति के समय हम लोग पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ज्यादा इस्तेमाल करते थे। हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं पेस्ट कंट्रोल के, इंसेक्ट कंट्रोल के, उसमें फिर अगर हम फूड चेन की बात करें तो उसमें वो अपनी चिड़िया आ जाती है। अगर अपनी चिड़िया अगर रहती है खेत में रहती है तो वो अगर इंसेक्ट को खाती है तो ऑब्वियसली आपको इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत कम पड़ेगी। अभी दो साल पहले मैं गुजरात गया हुआ था, तो गुजरात में किसान अपने घर के बाहर एक बॉक्स लगा के रखा था जूते के डब्बे का, उसमें गौरैया आकर के, जो हमारी स्टेट बर्ड है बिहार की, वो उसमें घोंसला लगाती थी। तो हमने पूछा कि तुमको इसका फायदा क्या है, बोला कि सर इसका फायदा यह है कि हम जो आप जो जितनी सब्जियां देख रहे हैं ना इसके ऊपर एक भी कीड़ा नहीं लगता है। तो चार बॉक्स गौरैया लगा करके वो अपने किचन गार्डन के जो की जो सब्जियां हैं उस पे वो एक ड्रॉप पेस्टिसाइड नहीं डाल रहा था। हाँ। तो कहीं ना कहीं हमको अपने ट्रेडिशनल मेथड्स प्राकृतिक तरीकों के ऊपर जाना होगा। चलिए समीर, बिल्कुल हमने बहुत सारी चर्चा की वाइल्ड लाइफ पे और उनके प्रिजर्वेशन के बारे में, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो भी जीव जंतु, इनके प्रिजर्वेशन के बारे में। मैं चाहूंगी कि आप कार्यक्रम के अंत में जो हमारे व्यूवर्स हैं आप उनको एक सटीक मैसेज, एक संदेश दें जिनसे ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है डे बाई डे ये थोड़ी कम हो जाए शायद। देखिये मैं व्यूवर्स को ये बोलना चाहूंगा कि आप अपने आस पास की चीजों को ध्यान से देखो, आप उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको देखो और उसको एनालाइज करो, बाकी और कुछ नहीं है। आप अपनी चीजों को ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा ये नहीं हुआ, ये नहीं है तो हमारे पास ये घटना हो गई। हाँ। ये अगर नहीं है तो ये घटना हो गई। और पर्यावरण विज्ञान, आपका नेचुरल साइंस या वाइल्ड लाइफ साइंस, इकोलॉजी, ये आपके घर के चारों तरफ है, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हर आदमी का कर्तव्य है, अगर आप इवन आईटी में हैं या आप इंजीनियर हैं, आप अपने आसपास की चीजों पे ध्यान रखें, आसपास की चीजों को डॉक्यूमेंट करें, उसको पढ़ने का, समझने का, प्रकृति को समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं आपके जीवन में वो आपको हेल्प करेगी। और ये हर इंसान की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास का जो पर्यावरण है, क्योंकि पर्यावरण में से हर चीज, एक सांस लेने के लिए हम हवा जो अपने अंदर इनहेल करते हैं वो भी पर्यावरण की ही देन है, हम जो खाना खाते हैं वो पर्यावरण की देन है, हम जो कपड़े पहनते हैं वो भी पर्यावरण की देन है। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, हमारी नैतिक जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करें, और पर्यावरण तभी संरक्षित रह सकता है जब हम पर्यावरण में रह रहे हर एक प्राणी को संरक्षित करने का प्रयास कर सके। बिल्कुल सही कहा तुमने प्रिया, लेकिन अब वक्त हो चला है कि हम अपने आज के मेहमान को विदा कहें, और आप हमारे कार्यक्रम में आए समीर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जो मैसेज दिया हमारे व्यूवर्स को इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स। आपका भी, बिहार बयान का भी काफी काफी धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समीर कुमार, हमने वाइल्ड लाइफ पे, वाइल्ड एनिमल्स पे बहुत सारी चर्चाएं की, और अब हम आपको हर रोज की तरह दिखाएंगे आज की डॉक्यूमेंट्री। आज की डॉक्यूमेंट्री भी बेहद ही खास है, पेड़ जीव जंतु प्रिय विलुप्त होते जा रहे हैं, ये एक चिंता का सबब है। हम सिर्फ बातें ही करते हैं, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि हम एक प्रयास करें जिनसे हम अपने पर्यावरण को और भी ज्यादा शुद्ध और खुशनुमा बना पाए। इसके लिए पेड़ों का होना बहुत जरूरी है, पेड़ ही जीवन है, और पेड़ जो है इस पृथ्वी का आधार है, जीवन का आधार है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम शायद अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि नैतिक जिम्मेदारी है कि हम पेड़ों को संरक्षित करें, वन्य प्राणियों को संरक्षित करने का प्रयास करें। तो इसी पर आधारित है हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री, एक दिन पेड़ बोलेंगे। देखिए डॉक्यूमेंट्री।